हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। मैं लेकर आई हूं तुला राशिफल अगस्त महीने के लिए। अगस्त मंथ में उनकी लव लाइफ और करियर में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस उनको कार्ड्स देने वाले हैं, ये हम देखेंगे आज के रीडिंग में। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, और सन साइन बेस पर आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं तुला राशि की लव लाइफ से। बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं गाइस। तुला राशि के लिए मुझे 7 of Cups और 5 of Swords और 8 of Wands, तीनों कार्ड्स, मुझे तीनों ही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आप कुछ चाह भी रहे हैं लेकिन उसके लिए एक्शन लेने के लिए भी रेडी नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज करे या फिर आपका पर्सन आगे से इनिशिएटिव ले, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप भी सब चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, आपकी आपके साथ कनेक्ट रहे, और जैसा भी रिलेशन आप उनके साथ चाहते हैं आप चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह का एक्शन लेने को रेडी नहीं है, अपने रिजिड हो गए हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं थक गया हूँ इस रिश्ते से या थक गई हूँ और इसको मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक वेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप उन्हें वेट कर रहे हैं कि वो आकर आपको मैसेज करे, वो आकर आपसे बात करे और मिलने आए। ट्रैवलिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, और इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि एक के साथ किसी और के भी मैसेज का आपको वेट हो, तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तुला राशि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लोइंग डाउन कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली आ रहे हैं। अभी बहुत अगस्त मंथ में मुझे स्ट्रांगली चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि आपके पास बहुत जल्दी आपके पास कोई पर्सन वापस आ जाए, या फिर आप जिस पार्टनर का वेट कर रहे हैं वो पार्टनर आपके पास आ जाए, तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे पोस्टपोनमेंट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप इनर अंदर से आप खुश है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, लेकिन बाहर से आप शो नहीं कर रहे हैं, तो वो ही चीज़ें हैं कि आप नहीं चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और आप वेट भी कर रहे हैं कि आपको पार्टनर भी मिले। तो अगस्त मंथ में ऐसी कुछ मिक्स एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है इस एनर्जी का। कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा है, जो एनर्जी है वो वैसी ही रुकी हुई है, स्टॉप एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। डिसीट एंड इनडिसीजन कार्ड, अगेन इनडिसीजन कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि शायद एक और ऑप्शन आपके पास है, या फिर कोई दो चॉइस आपके पास हो सकती है, आपको डिसाइड करना है कि किसको आपको चूज करना है। और यहाँ डिसीट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, या तो धोखे वाली एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, आप किसी को धोखा दे रहे हैं, या फिर आप अपने मन में फील कर रहे हैं कि मैं धोखे में हूँ। तो ऐसी दोनों ही बहुत ही मिक्स एनर्जी अगस्त मंथ में मुझे आपकी दिख रही है, बट कुछ डिसीजन लेते हुए ना आप नजर आ रहे, नहीं आपका पार्टनर नजर आ रहा है। एरो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ये मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आप अपने आप को कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश वाली एनर्जी यहाँ नहीं है। तो गाइज, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वेट करें कि आपका पर्सन या कोई भी रिलेशन आपके पास आकर ही आपको आकर कहे कि आप वो रिलेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते को दिल से, आप देखिए अंदर से आप उस रिश्ते को बहुत अच्छे से चाहते हैं, तो फिर अपने आप
को रेडी करिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैं इन कार्ड्स को देखकर ये कहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए। जिस रिश्ते को आप आपकी लाइफ में चाहते हैं उस रिश्ते के साथ आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। ओके, अब मैं ये इन सब कार्ड से रेजोनेट कर पा रही हूँ कि आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको कुछ डिसीजन लेने चाहिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जिस रिश्ते से आपको खुशी मिलती है, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि वो रिश्ता आगे होके आपके पास आएगा, आपको ही उसके लिए कुछ एक्शन लेना है। एरो कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए आपको इस रिश्ते की शुरुआत आप भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम आएंगे, हैप्पीनेस होगी और सबसे ज़्यादा आपके मन की हीलिंग होगी। आप जो मन से परेशान हैं उसकी हीलिंग आपकी होगी, आपका शुक्र एनहेंस होगा। देखते हैं करियर वाइज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। तुला राशि, किंग ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ दिखा रही है। कुछ ऐसा हो सकता है कि एनर्जेटिक एक्शन आप लें। ये भी हो सकता है कि जिस जॉब में आप हैं उसको आप छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, या फिर ट्रेवलिंग करके जा सकते हैं, दूसरी जगह आप शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्टिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है और जॉब में भी चेंजेस मुझे यहाँ पर अगस्त मंथ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भी होगी वो बेस्ट होगी, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है प्रमोशन भी हो, क्योंकि चेंज एनर्जी के साथ किंग की एनर्जी है, तो वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा आप काम कर सकते हैं। यस, कुछ पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं, किसी भी पार्टनर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। और कुछ न्यू चेंजेस, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ न्यू चेंजेस है, तो अगेन न्यू विजन का कार्ड आया है, तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह आप काम कर सकते हैं उसमें आप अपने काम करने की प्रतिभा को और बढ़ाने वाले हैं, और ज़्यादा अच्छे से आप अपने काम को करने की कोशिश करेंगे अगस्त मंथ में, और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दो काम कर रहे थे तो उसको भी बहुत अच्छे से आप संभाल पाएंगे अगस्त महीने में। आप सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करते हुए, अपने काम में आप अच्छे से बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक्शन, जैसा कि मैंने बोला आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो चीजों को आप समझ चुके हैं। दो यिन यांग एनर्जी मुझे यहां दिखा रही है कि कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ, मेल फीमेल पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके नेगेटिव पॉजिटिव आप समझ चुके हैं और अब आपने समझ लिया है कि इस काम को मुझे कैसे करना है। सेवन चक्र क्राउन चक्र मुझे दिखा रहा है कि अगेन समझदारी आ गई है और अभी आपको सब चीज़ें सेटल्ड है कि इस तरह मुझे काम करना है, और आपने काम स्टार्ट कर दिया है। हाई प्रिस्ट की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो जो भी हुआ था वो कार्मिक था और अभी जो हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। आपके घर, आपके भगवान आपके साथ में हैं और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने भगवान पर। जो आपके विश है वो आप बोल सकते हैं और देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है अगस्त महीने के लिए। तुला राशि के लिए मैसेजेस, तुला राशि के लिए एंजल के मैसेजेस। ओके, हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है गिविंग एंड रिसीविंग। बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आप रेडी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है रिश्तों में, तो एंजल आपको समझा रही है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। अपने हार्ट चक्र को आपने पैक किया हुआ है, तो अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। आप रेडी हैं प्यार लेने के लिए भी और देने के लिए भी। तो अगस्त मंथ में अगर आप चाहते हैं कि कोई डिसीजन आप लें, तो डेफिनेटली आपको अपने रिश्तों को लेकर डिसाइड करना चाहिए, और जिस रिश्ते को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको डेफिनेटली आपको उसको बात करनी चाहिए, आपको उस रिश्ते को लेना चाहिए। सेकंड है गॉड बॉक्स। गॉड बॉक्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि जो भी आपके विशेज है उसको एक विश बॉक्स में रखकर आप अपने मंदिर में या अपने कहीं भी सेफ प्लेस पे रख सकते हैं, और अपने डिवाइन से आप रोज विश कर सकते हैं कि आपकी वो विशेज पूरी हो। डिवाइन मीन्स आप भगवान से प्रे कर सकते हैं रोज की वो आपकी विशेज पूरी हो। ओके गाइस, ये थी तुला राशि की रीडिंग अगस्त महीने के लिए। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।